और झारखंड राज्य अवर व्यय सेवा संघ के तत्वाधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अवर वन सेवा संघ के द्वारा शहीद हुए वन रक्षी को याद करने के साथ पुष्प अर्पित कर आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में मांग की गई कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों को वन विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाए। मौके पर शिवनारायण महतो, केजरी विधायक राजेश कश्यप, विक्रांत कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। देखिए, हमारे विभाग में जो कार्यरत वन रक्षी ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई थी जिनकी, तो हमारी परंपरा चली आ रही है कि किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उनको पुष्पांजलि दी जाती है। इसी के आलोक में ये कार्रवाई कार्यक्रम के शुभारंभ में किया गया है। दिवंगत संख्या 3 यहाँ दिख रहे हैं जो रांची जिला से है, और भी कुछ जिला के साथी, खूंटी जिला के एक साथी हाथी के एक्टिविटी के दौरान उनकी देहांत हुई थी। इसी तरह राज्य भर में करीब 12-13 वन रक्षियों का निधन आज तक हो चुका है, तो हम लोग जो है उन्हीं के शांति के लिए हमेशा ये कार्यक्रम करते हैं। और विभाग के कोई प्रस्ताव हम लोगों के संघ के माध्यम से दिए हुए हैं कि जिनको ड्यूटी के दौरान जिनका निधन होता है उनको एक आर्थिक सहायता राशि दी जाए, जो विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही है उसी योजना के तहत, तो उनको भी आर्थिक लाभ उनके परिजनों को दिया जाए, और साथ ही साथ जो है उन्हें शहीद का भी दर्जा दिया जाए। ये ऑल इंडिया फॉरेस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी मांग चल रही है। जी, मेरा नाम मनोरंजन कुमार, मैं झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के महामंत्री के पद पर हूँ।